सत श्री अकाल लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब दे विच साडे सारे दर्शकों का जी आया। मैं हाँ नवनीत सिंह बदवा ते लैके हाजिर हाँ। पख का मसला पखदा है कि कई गेट की मीटिंग हो गई पर अजे भी मसला उत्ते ही अड़िया होया। मुलाजमान दीआं मंगां ते सरकार विचार कर रही है। सरकार यह कहती है कि असी कर रहे हैं 15% घट्टो घट तनखा च वाधे की पेशकश कर दी गई पर मुलाजम कह रहे हैं कि इन सारिया गलों के नाल नाल भाई यह दसो कि कच्चे मुलाजमान नूं पक्का कदों करोगे और उस बारे सरकार कोई गल करन नूं अजे तैयार शायद लगती नज़र नहीं आ रही। जिथे सारा रेड़का फसया होया चुकी सरकार आप कहती है जिहड़ी सब कमेटी की रिपोर्ट है कैबिनेट की कि 66,000 तो ज़्यादा कच्चे मुलाजम ने जिन्हां नूं पक्का किया जाना पर कदों किवें किस आधार से और आखिरकार सब तो वड्डी सवाल है कि किन्नियां नूं। सो इन्हां तमाम सवालों के जवाब दो दिन पहला भी लभण की कोशिश की मीटिंग हुई उस तो एक दिन बाद कल भी हुई यानी कि अज भी हुई पर अजे तक मसले का हल कोई नहीं। मुलाजम कह रहे हैं हुण अपनी रणनीति तैयार करांगे पर सवाल है कि किवें मसले का हल होएगा या यह कहिए कि मुलाजमान की नाराजगी सरकार को हुण भारी पेगी अज असी ते चर्चा करांगे। पर शुरुआत वड्डी खबर के नाल मुलाजम वर्ग की सरकार के नाल जिहड़ी मीटिंग हुई है वह मीटिंग लगभग बेसिट्टा ही रही है। सरकार वल्लों 15% घट्टो घट तनखा च वाधे की पेशकश की गई। मुलाजमान नूं हड़ताल खत्म करन दी सरकार ने अपील की और फिलहाल मुलाजमान ने सरकार के ऐलान से अपनी असहमति जताई है यानी कि वह सहमत नहीं ने और मुलाजम वर्ग ने सरकार की पेशकश से हुण अपनी मीटिंग सदी है जो कि 7 अगस्त को लुधियाना विखे होएगी। सो 7 अगस्त को लुधियाना विखे मुलाजम फ्रंट की मीटिंग होएगी यानी कि अज की मीटिंग दे विच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आई है। मुलाजम वर्ग पंजाब खेतीबाड़ी तो बाद किसानों तो बाद एक सब तो वड्डा मसला पर सवाल वड्डा है कि उहदा हल कदों उहनां दीआं मंगां ते विचार कदों। सरकार क्यों आखिरकार मुलाजमां दे मसले नूं हल नहीं कर पा रही कानूनी मसले सियासी मसले या कुछ होर तरह दीआं अड़चनां ने। सो पिछले लंबे समय तो मुलाजम संघर्ष भी कर रहे ने सड़कां ते बैठे ने पर मसले का हल नहीं हो रहा। सो अज भी मीटिंग हुई है पर मीटिंग दे विच किसे तरह का कोई मसले का हल नहीं होया। सो मुलाजम वर्ग की सरकार दे नाल जिहड़ी मीटिंग हुई है वह मीटिंग अज भी बेसिट्टा रही है चूंकि सरकार वालों 15% घट्टो घट तनखा की पेशकश की गई पर अजे तक मसले का कोई हल नहीं होया चूंकि सरकार ने अपनी गल रखी और मुलाजम हुण कह रहे हैं कि 7 अगस्त को अपनी मीटिंग रखांगे। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि तुसी 15% इनक्रीज़ हर मुलाजम नूं देनी। एदू वध गई तां उह किसे दी 20 है किसे 18 17 भी होएगी पर मिनिमम जिहड़ी इनक्रीज़ है उह 15% होएगी और साडी कैलकुलेशन दे हिसाब नाल इह 15 नूं छड्ड के जिहड़ी पे कमीशन है पे कमीशन दी रिपोर्ट नाल हर मुलाजम दी तनखा जो गुज़िश्ता साल गया है 80,000 रुपया पर ईयर उन्होंने तनखाह का इजाफा हो रहा है पे कमीशन की रिपोर्ट न और कमो पेश जेडे एरियर हो गए कमो पेश मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा तकरीबन एवरेज 2.5 लाख रुपया उन्होंने हर मुलाजम का एरियर भी जड़ा आ जाएगा जी। फिशरीज आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जेडे इस कैटेगरी के वह भी हड़ताल से क्योंकि वह कह रहे थे कि जिहड़ा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है उन्हूं तुसी उन्हूं कमीशन ने डीलिंक करता सी सैलरी तो उन्हां दी डिमांड सी कि इहनूं इह डीलिंक ना कीता जावे जो पुराना दस्तूर चल रहा है उसे दस्तूर दे मुताबक सानूं इह मिलदा रहे। हालांकि डॉक्टर्स अज मीटिंग च नहीं आए बट चेयरमैन साहब की इजाजत नाल असीं इह वी अज अनाउंस करन लगे हैं कि वह पुराना दस्तूर चलता रहेगा पर ये 20% ते क्योंकि पिछली बारी ये 25% ते सी और इहदा कई बारी सुनने वालों की वास्ते मैं कहना कई बारी जो
तनखाह का बेस वध जांदा है तो फिर इहदा जिहड़ा उहदा उस तरह परसेंटेज जिहड़ी घट हुंदी है। सो इह सारियां गल्लां जिहड़ियां मैं समझदा सरकार ने बड़ी लचक और बड़ी दरियादिली नाल यह फैसला किया। और जिस तरह चेयरमैन साहब ये कह रहे कि बेसिक पे जिहड़ी है उहदे नाल इह लिंक जिहड़ा है ये किया जाएगा। साहब इस ढाई घंटे की मीटिंग दे विच जिहड़ी तनखाह कमिशन उत्ते चर्चा हुई है, तनखाह कमिशन उत्ते सरकार जिथे कल की मीटिंग दे विच 10% के उत्ते अड़ी सी भी असीं 10% तो वध वाधा नहीं दे सकते, पर असीं जिहड़ा गुणाक जिहड़ा 2% दा मंगदे सीगे, अज सरकार ने इस गल की शोरटी दिती है भी किसी का भी 15% तो जिहड़ा वाधा है 15% तो घट नहीं होगा। तो जिहड़ा गुणाक है, गुणाक जिहड़ा सरकार है वो पहले वाले गुणाक नूं कायम रख रही है। असीं अपने 2.72-2.65 के गुणाक से असीं जिहड़ा अपनी ऑफर उन्होंने दी है, सरकार उहदे ते नहीं आई पर उन्होंने 15% की गरंटी भी ऑफर दी है। तो नाल ही उन्होंने जिहड़ा पत्ते साडे जिहड़े रोके सीगे पहलां जिन्हां नूं बहाल करन वास्ते तैयार नहीं सीगी, अज सरकार ने वह पत्ते जिहड़े आ बहाल किए ते नाल इह कहा गया इन्हां च वाधा जिहड़ा है 0.8 दे नाल होवेगा जिहदे नाल लगभग दुगने जिहड़े पत्ते उह होणगे। ते इहदे नाल असीं अज दी मीटिंग तो इस करके बहुते सैटिस्फाई नहीं है क्योंकि जिहड़े साडे बाकी मुद्दे है उहदे विच कच्चे मुलाज़मां नूं पक्के करन बारे कोई चर्चा नहीं अज उहनां ने कीती, कहिंदे अगली मीटिंग च करांगे लैके जावांगे असीं विधानसभा च लैके जावांगे। वह जो खरड़ा उन्होंने तैयार किया उस खरड़े तो अभी सैटिस्फाई नहीं। दूजा जिहड़ा है पुरानी पेंशन बहाली लई हजे भी उन्होंने जिहड़ा है नोटिफिकेशन करना सीगा जिहड़ा फैमिली पेंशन वास्ते वह नोटिफिकेशन हजे तक नहीं किया। तो दूसरा वह पुरानी पेंशन बहाल करने वास्ते तैयार नहीं। जिहड़े माण भत्ता इनसेंटिव ते काम करते मुलाजम है, मिड डे मील है, आशा है, आंगनवाड़ी है, उन्होंने उत्ते हजे चर्चा करने वास्ते तैयार नहीं है। तो जिहड़े मुलाजम दुखी पत्र है 17 जुलाई का जिहड़ा केंद्र दे नाल जोड़िया है उहदे वास्ते कोई उन्होंने गल नहीं की है। जिहड़ा प्रोवेशनल पीरियड के संबंध में है 15/15 का पत्र है उन्होंने हजे सरकार ने विड्रा नहीं किया। इस करके साडे सांझे फ्रंट ने फैसला किया है भी जो सरकार ने सानू ऑफर दी है उहदे विचार करने वास्ते जिहड़ी साडी अपनी एजीटेशन लीकी है ते बाकी मंगां ते विचार करने वास्ते असीं 7 तरीक नूं लुधियाणे जिहड़ी है वड्डी एक्सटेंडेड मीटिंग जिहड़ी है उह करन जा रहे हैं ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। 5 ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਵਦੀਪ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਲਾਹ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਲ ਮੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਚੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਲੀ। ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਖਰੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਚੁਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.74 ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ 2-25 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ 2-25 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ 272 ਤੇ 225 ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਫਸਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਬਹਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪੂਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, the government is of the people, for the people, ਤੇ by the people। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 15% ਵੀ ਆਰ ਗਰੰਟਿੰਗ, 15% ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਐਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ 13,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 15% ਹਾਈਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸ ਪਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 66,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੀਏ, ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 75,000 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਦੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਵਿਦਇਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋਬ ਆਫਰਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PSPCL 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 35,000 ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਗੇਜਰ ਆਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਵਾਓ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰੀ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
और दूजी गल हैगी पंजाब सरकार दी। नवनीत जी, पंजाब सरकार दा तां इक्को ही काम है कि कहा मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। मनप्रीत बादल साहब चाहे शेरो शायरी होवे, चाहे आंकड़े होण, उन्होंने उन्होंने ही खेडना, धरत तक कुछ जान नहीं देना। और यही पंजाब सरकार है, मैं याद करा दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े जाके मुलाजमान के धरनों के बहते होंगे सी और कहें सी पहली कैबिनेट मीटिंग च पक्का कर दूंगा। और ये मैं कांग्रेस को याद ये भी नाल दी नाल करा दें कि श्रोमणी अकाली दल कैबिनेट च ऑलरेडी पास कर गई सी, विधानसभा सैशन भी असी स्पेशली बुलाया सी और कांग्रेस की सरकार ने आते सार पुराने सारे डिसीजन रद्द किए। पे कमीशन की भी जो गल है तो जिन्हें पे कमीशन अज तक सूबे दे विच लागू हुए सारे श्रोमणी अकाली दल के समय लागू हुए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो किते ना किते मुलाजम जिहड़ा है ना वो पंजाब की सरकार की ते पंजाब सूबे की रीढ़ की हड्डी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, अगर सूबा चल रहा है तो मुलाजम उसकी रीढ़ की हड्डी ने। मुलाजमान के नाल धोखा अगर सरकार करूगी तो सूबा जिहड़ा पहले ही साढ़े चार साल बहुत पिछे जा चुके है, ये होर पिछे चला जाऊगा। सो मैं कांग्रेस को ताकीद करदा कि मुलाजमान के नाल ये कोझे मजाक बंद करन, उन्होंने बनते हक उन्होंने देन, चार महीने का समय नहीं साडा वादा। श्रोमणी अकाली दल ने पहला भी 2017 च सारे पक्के करन दा कैबिनेट दे विच डिसीजन ले लिया सी, पास करता सी, विधानसभा दा सैशन बुला लिया सी। मैं हमेशा 2022 दे विच पहली मीटिंग ते कीता। बड़ी साफगोई नाल कह दिंदे हो कि 2017 2016 दे अखीर वाली मीटिंग च लिया सी, ओह वी जांदे जांदे ते ओही सरकार करी है। तुहाडे और इहनां च फर्क की है फिर? साडे ते इहनां च फर्क बहुत वड्डा है नवनीत जी। साडे वेले श्रोमणी अकाली दल दी सरकार दे विच 292,000 असामियां सरकारी खेत्र दे विच दित्तियां। साडी प्रायोरिटी सी जॉब्स क्रिएट करना, पहला अपने यूथ नूं नौकरियां दे उत्ते लैके आउणा और फिर दूजे स्टैप दे विच इहनां नूं पक्के करना। और कई पक्के कीते भी, कुछ रह भी गए। मैं नहीं कहिंदा कि 100% सरकार डिलीवर करगी, पर 95% तो उत्ते श्रोमणी अकाली दल अपने वादे पूरे करने वाली सरकार और मुलाजमान दे प्रति बहुत सुहिरद सरकार। और असी अगर 2017 तो बाद आउंदे द्वारा तो ओदी पक्के कर देंगे। ए हर पार्टी कहंदी है, ए हर पार्टी कहंदी है कि असी दोबारा आउंदे ते कर दे। दो बार तुहाडी सरकार रही, तुसी भावें कह लो कि जिन्हें पे कमीशन लागू किए बादल साहब ने लागू किए, पर जाते जाते पिछली सरकार वेले जो तुसी कर गए, अज मुलाजम उन्हूं कहंदे है कि साडे नाल धक्का पिछली सरकार ने भी किया। देखो ना, बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना कि असी पहला सारा जोर लगाया ओपरचुनिटीज क्रिएट करन दे उत्ते, चाहे वह विद्यक अदारियां दे असामियां होण, चाहे होर महकमियां दे विच होण। और जो मुलाजमान लई सब तो बेस्ट सी श्रोमणी अकाली दल ने किया, चाहे तनखाहां दा वाधा होवे श्रोमणी अकाली दल ने किया। सो श्रोमणी अकाली दल ने कदे भी किसी मुलाजम का हक नहीं मारिया। जिदा मैं पहला कहा कि सारा कुछ वधिया चल रहा सी सूबे दे विच, एक कांग्रेस ने साढ़े चार साल दे विच जिहड़ियां पुरानियां पॉलिसीज भी चल रही सी उन्हां नूं भी सारियां नूं खराब किया। मतलब ए मन्निए कि कांग्रेस तुहाडे ए मन्निए कांग्रेस तुहाडे पूर्णियां ते चल रही है। कांग्रेस साढ़े पूर्णियां ते चल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पहला कहा कि 292,000 सरकारी नौकरी श्रोमणी अकाली दल। मैं अगे चलना नवदीप जी, कांग्रेस तां नेड़े तेड़े भी नहीं है। नवदीप जी, किवें मसले दा हल नजर आ रहा? सर पहला तो मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि तुसीं अज मैनूं समां दित्ता। बाकी मैडम अमृत गिल जी भी बोल रहे हैं, कलेर जी भी बोल रहे हैं, मैं इन्हां तों एक गल दा जवाब मंगदा है कि पंजाब दे विच 25 साल अकाली दल ने राज किया और 35 साल कांग्रेस ने राज किया और एक एक्ट बनया होया पंजाब सिविल सर्विस एक्ट, उहदा की कहिंदा है, उहदे विच की जिहड़ियां मुलाजमां बारे गल्लां लिखियां गईआं उहनां नूं पढ़ के क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। और मैं पहला जिहड़े कलेर साहब आ उन्हां दी गल दा जवाब दिंदा है कि अक्टूबर 2016 दे विच बादल साहब ने एक मता पाया सीगा कि असीं जिहड़ा 2,000 करोड़ रुपये दा वाधा कर रहे हैं उहदे विच जिहड़ा पत्ता वधा रहे हैं कच्चे मुलाजमान नूं रेगुलर कर रहे हैं प्रोबेशन पीरियड छड्ड के। मैनूं कलेर जी जवाब दे देण, उह तरीक दस देण कि जिहड़ा तुहाडा अक्टूबर 2016 दा तुहाडे बादल साहब ने वायदा कीता सी मुलाजमान दे नाल, उहदा की बणिया, किहड़ी डेट तों तुसीं उहनूं इंप्लीमेंट कीता। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
जिहड़े मुलाजम है, एक उन्होंने मेरा एक अट्टा सरताया, मैं पक्का नहीं कह सकता कि जिहड़ा सब तो वध तनखा पंजाब दा मुलाजम लै रहा है, पर मनप्रीत सिंह बादल भुल गए कि पंजाब दे विच जिहड़ा 66,000 मुलाजम दी असीं गल कर रहे हैं, और जिहड़े कुछ मुलाजम सिर्फ बेचारे 6100 रुपए ते, ये तो बहुत बड़ी गल है, कोई आंगनवाड़ी के मुलाजम जिहड़े सिर्फ 4000 रुपए ते 4500 रुपए ते आपदा घर चला रहे हैं, उन्हां बारे मनप्रीत सिंह बादल दे की विचार सीगे? एक मुलाजम अज उन्होंने यह कहता कि सब तो वध तनखा जिहड़े पंजाब दे मुलाजम लै रहे हैं, बड़ी हासोहीणी गल की है। और मनप्रीत सिंह बादल जी, तुसी जिहड़ा पंजाब सिविल सर्विस एक्ट है उन्हूं फॉलो क्यों नहीं करते? की कारण है कि पंजाब कोई गरीब सूबा सीगा जिथे तनखाह नहीं दे सकते? कि पंजाब एक इंडिपेंडेंट सूबा नहीं सीगा? तुसी पंजाब दा खजाना खाली करके रखिया, माफिया राज पैदा करके रखिया, इस करके तुसी नवीं नौकरियां नहीं दे सकते, इस करके तुसी मुलाजमान दे पे स्केल नहीं बढ़ा सकते, तुसी टाइम टू टाइम सिर्फ ड्रामे करते हो, जिवें अकाली दल ने अक्टूबर 2011 दे विच कीता, और कांग्रेस की सरकार 2002 तो 2007 तक रही है, मैनू एक भी मुलाजम ने पक्का किया दस दिन, और अकाली दल फिर 10 साल रहा, अकाली दल ने कोई भी जरा फिफ्थ पे कमीशन की गल करते हैं। मैं थोड़ी गल का जवाब लेना नवदीप जी, नवदीप जी मैं लूंगा जवाब, मैं कलेर साहब तो भी जवाब लूंगा, अमृत जी तो भी जवाब लूंगा, दोनों तो लूंगा, मैं जवाब लूंगा, अज जवाब ही लेने हैं, अज जवाब ही लेने हैं, पर थोड़े सवाल इस करके भी ने चुकी, चलो थोड़ी सरकार अजे नहीं है, पर मुलाजमत सियासत सारी जगह है। मैं मेरी बेनती प्रोफेसर साहब, ठीक है नवदीप जी, मैं आना, पर सवाल एक होर भी है, वादे सारे हो जाते हैं पर जो वादे पूरे करने की गल आती है तो फिर असी मीटिंगा करने हैं, और वह मीटिंगा सिर्फ तो सिर्फ बेसिटा ही रहनिया, मुलाजम सारे सड़कों उपर बैठे है, हजे तक लागू नहीं होया, 5.5 साल हो गया, जबकि 10 साल बाद पे कमीशन होता है, और यह भी कहा जाता है कि लास्ट पे कमीशन है, उसके बाद पता नहीं की नवा फार्मूला बनूगा जिदे मुताबिक ग्रेड रिवाइज होंगे या पत्ते वगैरह मिलेंगे। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी सरकार बिना मुलाजमत तो नहीं चल सकती, और जिस वेले नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन दे विच कई तो ऐसिया कैटेगरी सीगियां जिहड़ियां कि बिल्कुल ही अनटचड छड दित्तियां गईयां, और जेडे रेगुलर इंपलाई सीगे अगर उन्हां दी भी गल कीती तां उन्हां दे विच भी जिहड़ी डिससैटिस्फैक्शन आई, और जिहड़ा साडा नोटिफिकेशन सीगा उहदे विच कई चीज़ां जिहड़ियां सीगियां बिल्कुल अखों ओहलियां करदियां, जिवें कि इस नोटिफिकेशन दे विच जिहड़ी हायर एजुकेशन दे विच टीचर्स हैगे आ कॉलेजां दे विच यूनिवर्सिटियां दे विच है जिहड़ा UGC ग्रेड दे जिन्हां ने लैणा है उहनूं उहदे बारे अजे कोई गल नहीं होई है, नोटिफिकेशन नहीं है। इसे तरीके दे नाल जिहड़े एम्पलाइज जिवें आंगनवाड़ी वर्कर है या मिड डे मील वर्करस है जिन्हां नूं बहुत ही पाल्ट्री सम मिलदी है जिहदे नाल किसी भी घर का रोज जिहड़ी हैगी है चुल्हा नहीं जल सकता, वह सिचुएशन जिहड़ी हैगी है उहदी वजह करके, और फिर मुलाजमान नूं इह लग्या कि साडी तां ग्रेड रिवाइज हो गया लेकिन साडी तनखाह तां वध नहीं रही, कई जगह घट रही है, वह चीज़ां जिहड़ियां सीगियां उन्होंने मुलाजमान नूं विचलित किया और वह सड़क के उपर आए और उन्होंने अपनी गल कहन की कोशिश की है। बेशक के दे कोई शक नहीं है कि सरकार ते उन्होंने विच गलबात हुई है, लेकिन वह गलबात किसी भी सिरे ते नहीं चढ़ रही है, हजे तक नहीं चढ़ी और सरकार हजे भी डिससैटिस्फाइड है। दूसरी चीज़ यह हैगी है कि जेडे पे कमीशन है, पे कमीशन दे विच एरियर्स एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट होंदा है, पिछलियां सरकारां ने की कीता ईवन अकाली दल दी सरकार दे विच जिहड़े एरियर सीगे उह इक मुश्त नहीं दित्ते गए, बल्कि उहनां नूं वंड के कदे कहिंदे जी तुहाडे PF दे विच चले जाणगे, कदे कुछ जिहड़ा एरियर हुंदा उहदे नाल मुलाजम बन्निया हुंदा है, बहुत सारे प्लानिंग कीते हुंदे कि एरियर मिलेगा असीं आह करांगे, उह नहीं कर सकदे। उस तों बाद तुसीं इह कीता कि जिहड़ा एम्पलॉय तुसीं रेगूलर भी रखदे हो ਉਹਨੂੰ 3 साल ਤੁਸੀਂ
बेसिक पे ते रखोगे पिछली सरकार दे विच होया वो बेसिक पे जिहड़ी हैगी है इन्नी घट हुंदी है एक तां वैसे ही मुलाजम वेट करदा रहिंदा सरकारी नौकरी निकलूगी असीं अप्लाई करांगे कई ओवरेज हो गए कई लास्ट उहदे विच उस वेले तक बीवी बच्चे भी हुंदे आ उस सिचुएशन दे विच उहनूं सिर्फ बेसिक पे 3 साल वास्ते देना ते उहनूं उस ते बाद ही रेगुलर करना या उहनूं कन्फर्म करना ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀ ਕਰੀਪ ਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ फिर सरकारां वास्ते हो जाता है वो एक कट्ठा ग्रुप बन जाता है कि जी सानू सारे नू रेगुलर करो सरकारां वास्ते भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हां विचों कई एलिजिबल नहीं हैं कई वो कहने जी सानू बिना इंटरव्यूज ते लवो फिर वो कोर्ट केस हो जाते हैं ये सारिया चीज़ा भी आपां अखोले नहीं कर सकते सरकार वास्ते भी चुनौतियां आदि हैं लेकिन इंप्लॉय जिहड़ा हैगा वो हमेशा रिसीविंग एंड ते रहिंदा है और जिस तरह आपां इस पे कमीशन दी गल करिए जिहड़ी कि अज आपां कर रहे हैं और मुलाजम जिस तरीके दे नाल धरने रैलियां कर रहे हैं पिछले किन्ने दिनों तो वह तो इदां लगता है कि मुलाजम की सैटिस्फैक्शन नहीं हाँ अगर तुसी गलबात करते हो गलबात ते कोई ऐसे जरूर नतीजे निकलेंगे निकलने चाहिए भी हैं जिहदे नाल कोई चीज़ा जी इंपलाइज एक्सैप्टेबल होना थोड़ा बहुत पिछे हटना पवे सरकार नू थोड़ा बहुत पिछे हटना पवे लेकिन इस स्थिति दे विचों बाहर निकलना बहुत जरूरी है उहदे नाल एडमिनिस्ट्रेशन का भी नुकसान हुंदा है इंपलाइज का भी नुकसान है सरकार का भी नुकसान है और सरकार को मैं तुम दसदा बहुत घट समा रह गया यह सारा कुछ करने वास्ते मैं समझ गया थोड़ी गल जिहड़ी तुसी कह रहे हो मैं उस ते ही अगे चलना उसे ते आशीष जी विचकारला राह की है जे जिवें प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कई बार सरकार लिए भी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि कच्चिया नू किवें सारे नू पक्का करन और बहुत सारिया चीज़ा ने सो विचकारला राह की है यानी कि किस मसले ते तुहानू लगता है कि आने वाले कुछ दिनों कुछ सहमति की उम्मीद है नवनीत जी पहला तो मैं एक गल क्लीयर कर दा मेरी भैन अमृत गिल जी गल कर रहे थे भी असीं 15% दे रहे हैं 10% दे रहे हैं बाकी भी साढ़े पोलीटिकल लीडर बैठे ने अकाली दल आप दे रेगुलर मुलाजमान की मांग हैगी है पे कमीशन की जिड़ी कि सीधी वेतन जुड़ी है 15% वाधा चाहिए 10% वाधा चाहिए मैं थोड़े स्रोते ने दस जाना कच्चे मुलाजमान की मांग तनखाह की नहीं हैगी साड़ी कोई फाइनैशियल मांग नहीं साड़ी मांग है साड़े भविख की मांग साड़ी लोड़ की मांग जब असं 10-10, 12-12, 15 साल तो यह गल कहने भी असं लगातार सेवावान दे रहे हैं सरकार मनती है भी इन्ना बिना साड़ी सरकार नहीं चल रही सैक्रटेट तो लैके सीएम हाउस तो लैके ब्लॉक लैवल तक हर एक दफ्तर में कच्चा मुलाजम बैठा है पर इन बावजूद भी जो अभी गल करते हैं एक्ट का नाम ही रखते हैं वैलफेयर एक्ट तो सरकार वैलफेयर लिए बनिया होंगे ने पर उदो असं हाथ खिंच जाते हैं तुम पिछलियां 3 मीटिंगा देख चुके हो हर बारी कैबिनेट सब कमेटी कच्चे मुलाजमान को अखोले कर रही है जो भी मुलाजम आगू वालों कच्चे मुलाजमान की गल की जा रही है हर बारी कह रहा है जी असं एक्ट लैके आ रहे हैं एक्ट दर्तं जड़िया ने मुलाजम मारू ने कच्चे मुलाजम पक्के नहीं हो पा रहे तो विचला राह का सवाल त पैदा होंगे जे सरकार उस मसले पर गल करना चाहती हो चाहती है कि सीधा फांसी का फरमान चढ़ाओ तो इन्हों खत्म करो ये बिल्कुल हू बहू अंग्रेजों की याद दवा रहे हैं जोड़ा कि अंग्रेजों के वेले बस सिर्फ एक ऑर्डर आता हूँ भी फलाने बंद फांसी चढ़ा दो उनकी सुनवाई भी नहीं की जाती गी सेम हाल साडा साढ़े आउटसोर्स वाले साथी दर दर फटकते फिरते हैं ठोकरा खाते फिरते हैं कंपनियां लुट रही ने कंपनियां मोटा कमीशन दे रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं इस तो अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम ने वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पर इन्हें कन्न से जो भी नहीं सरक रही है सिर्फ ये चाहते हैं भी जो रेगुलर मुलाजमान अभी थोड़ा बहुत वाधा दे दिए तो मसला शांत हो जाए पर इन्होंने एक गल समझनी पेगी मसला इवें शांत नहीं होना जिनी देर कच्चे मुलाजमान को पक्का नहीं किया जाता तो बनदिया तनखाह नहीं दी जाए मैं थोड़ा पूछ रहा आशीष जी देखो जे जे सरकार किसी गलते अपनी मजबूरी जता रही है जिमें मैं अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गल अमृत जी ने भी की और उन्होंने कहा और नवदीप जी ने जिक्र किया कि मनप्रीत बादल कहें कि जी सब तो वध तनखा है तो सवाल है कि सब तो ज़्यादा टैक्स भी फिर पंजाब के मुलाजम देंगे ने सरकार ही देंगे ने सवाल है कि सब तो ज़्यादा जे जे असं कहते हैं कि सिक्ख्या के इंडैक्स के पंजाब सब तो उत्ते आ गया पिछले दिन ही बड़ा प्रचार होया तो कोई सरकार तो नहीं लैके आई उही टीचर लैके आए हैं जोड़े स्कूलों काम कर रहे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन कराई है जिन्होंने
घरों घरी जाके जिन्होंने उन्होंने स्मार्ट स्कूलों के अपनी स्मार्ट भूमिका निभाई है। मैं नहीं जाना चाह रहा, वह बड़ा वड्डा मसला हो जाएगा। मेरी मेरी बेनती है, मैं तुम्हें एक मिनट दो, मैं सिर्फ एक मिनट दो। सरकार थपथप आ रही भी सिक्ख्या असी काम किया तो सिक्ख्या पहले नंबर से आई। मैं खुद सिक्ख्या विभाग का दफ्तरी मुलाजम हाँ, साढ़े नाल के टीचर 2018 च रेगुलर कर दिए गए, नॉन टीचिंग स्टाफ को अभी भी छड़ दिया गया। इस पूरी सारे मैं समझ गया गल थोड़ी, पर मैं कह रहा विचकार ला रहा, तुसी भी ते दसो ना कुछ, मतलब मुलाज़मा दे फ्रंट तो भी ते कोई विचकारली गल निकलनी चाहिए। नहीं कक नहीं, ये इन्हां दा जो नोटिफिकेशन है सरकार दा, जो अकाली समय दे सरकार च आया है कि 3 साल इन्हां नूं सिर्फ बेसिक पे दित्ती जाणी है। असीं 10,000 तां पहले ही लै रहे हां, सानूं एक नवां रुपया नहीं मिलना जदों इन्हां ने रेगुलर करना है, तां फिर असीं सानूं ते चोली कुछ पाणी नहीं, सानूं सिर्फ रेगुलर साडा जिहड़ा भविख है उह देणा है। कानून बना रही है, मैं 2 दिन पहले भी डिबेट करके हटिया, जो कुछ है कि 3 दी थां 10 साल जो सैंक्शन असामिया ने तो ही पक्के किए जाओगे, और उस डिपार्टमेंट च ना कोई जिक्र के सेंटर दी स्कीमां NRHM या सर्व शिक्षा अभियान उहदे च की होएगा, वह कित्थे जाणगे, उहदा कोई जिक्र अजे उहदे च है नहीं। सो अजे विच कित्थे बनिया जाए कि इन्हां दा भविख सुरक्षित है? नवनीत जी, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिहड़ी कांग्रेस की सरकार है वह सिर्फ समा टपाउणा चाहुंदी है, वह अपने 4 महीने कढ़ना चाहुंदे, उन्हां दी नीयत है ही नहीं। अगर नीयत हुंदी तां मुख्यमंत्री जिहड़े हर गल तो मुकर गए, इस तो भी उही मुकरे ने, मुलाजमान दे विच बह के वादा करके मुकरे, गुटका साहब चक के भी मुकरे, विच बह के भी मुकरे। और दूजी गल जिहड़े आम आदमी पार्टी वाले मेरे वीर कहिंदे ने, मैं याद करा दिया कि शायद उन्ना इन्हां नूं पढ़ के नहीं आए, 5 पे कमिशन श्रोमणी अकाली दल दी लागू ने, 6वां भी श्रोमणी अकाली दल ही अपॉइंट करके गया, हले तक 5 साल 4.5 साल हो गए वह मिलया नहीं। और दूजी गल जिहड़ी हैगी है पंजाब दी, मैं नवनीत जी ये गल हैगी है कि ये ऑलरेडी पक्के करन दा विधान सभा दा सानू सैशन दोबारा भी बुलाना पिया सी, क्योंकि गवर्नर साहब ने पहला मना करता सी, फाइल मोड़ती सी, पर त्रासदी ये रही कि उस तो बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और कांग्रेस सरकार ने पुराने डिसीजन सारे रद्द करते। मैं अज भी थोड़े चैनल पर कहना है कि दोबारा, क्योंकि असी तो पहले ऑलरेडी विधानसभा च लेके आए हैं, असी इन्हें पक्के करन दा पास करके गए हैं। सो 2022 दे विच साडा स्टैंड उही है कि इन्हें पक्के किया जाऊगा, जिन्हें कच्चे मुलाजम ने और समेत सफाई कर्मचारी हो सारे। पर जिहड़ी अज दी जिहड़ी स्थिति है नवनीत जी, वह गल हैगी है कि जो पे कमीशन दी सिफारिशां भी ने, उन्होंने भी इस तरीके दे नाल मनप्रीत बादल लागू करना चाहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उत्थे भी मुलाजमान नाल धोखा, हर एक चाहते हैं कि साडी जेब चो कुछ ना निकले, मुलाजमान नूं मिले कुछ ना। और जिहड़ी गल मेरे वीर कह रहे ने मुलाजम वर्ग तो, इन्हां दी गल भी सही है कि जिहड़े रेगूलर करने ने उन्हां दी भी कोई गल नहीं। ये जिन्नियां मीटिंगां होईयां ने, अज भी जो सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वह बाकी गल्लां ते तां गल करदे ने, पर रेगूलर करन दी वह अज भी कोई गल नहीं करदे। सो किते ना किते सरकार की नीयत दे विच खोट है, सरकार नूं अपनी नीयत दिखाउणी पऊगी, और 4 महीने का समय नहीं। मैं फिर दोबारा कहना कि मुलाजमान का एक बहुत वड्डा कैडर है, अगर ये खड़ा हो गया, पंजाब सरकार की रीढ़ की हड्डी है, पंजाब सरकार ता ही है जे मुलाजम है। अगर मुलाजम नाल धोखा, मुलाजम दीयां गल्लां ना सुनिया गई, सूबा बहुत पिछे चला जाऊ, जिहड़ा पहले ही 4.5 साल च बहुत पिछे जा चुके। ठीक है नवदीप जी, की कहना चाह रहे हो? फिर मैं अगली गल ते आऊंगा, मैं सेंटर वाले पे स्केल ते भी आऊंगा। नवदीप जी, नवदीप जी की कहना चाह रहे हो? अपनी गल रखो प्लीज। चलो मैं फिर तो आऊँगा, पर एक चीज़ और क्लियर सा मैं समझ नहीं चाह रहा, क्योंकि कुछ तकनीकी कारण करके मैं फिर तो उन्होंने जुड़ूंगा। ये जो सेंटर वाले पे स्केल दू लैके हूँ नवा एक, मैं तो कहूँगा शगुफा छिड़िया कि जी सारा कुछ उस हिसाब न होए, कि मनिया जाए कि सेंटर का प्रैशर भी है जिस करके हूँ पंजाब सरकार भी उस चीज़ों से चलती नज़र आ रही है। नवनीत जी, पंजाब सरकार का तुम पिछले 4.5 साल का कोई भी डिसीजन चक लो, वो उस राह पर चलते ने जो केंद्र की BJP या मोदी कहता, फिर चाहे तिने काले कानूनों के सोध हो, चाहे लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन करना हो। हुण जिहड़ा सेंटर की तनखाह वाला जिक्र हो रहा है, पंजाब दे मुलाजम की तनखाह तो पहले ही ज्यादा, अगर तुसी सेंटर वाले उस ते लेके आओगे उत्थे मुलाजम का नुकसान। सो सारा कुछ केंद्र दी नीतियां नूं टेढ़े ढंग दे नाल सूबे दे विच लागू करिया जा रहा है, और उस दे तहत जिहड़ा हुण पिछे जे इन्हां ने एक नवां मंटेक कालूवालिया साहब की जिहड़ी तुसी चकोगे, तो उहदे विच वी तां ही कुछ है, उहदे विच वी मुलाजम नूं मारन की तैयारी है। उहदे च कहिंदे ने असामियां घटा दो, उहदे च कहिंदे ने जिहड़ियां पब्लिक प्रॉपर्टीज़ां उह वेच दो। सो किते ना किते APMC दे उत्ते भी उत्थे कहिंदे ने कि खरीद चो बाहर हो जाओ। सो जो मोदी साहब चाहुंदे हैं, जो केंद्र दीयां नीतियां ने, उह सीधे ढंग नाल अमरिंदर सिंह जी तो कांग्रेस दी सरकार तो पंजाब दे विच लागू कराईआं जा रहीआं। नवदीप जी, नवदीप जी। सर मैं कलेर जी कह रहे हैं कि
मैं इसमें ज्यादा पढ़िया नहीं गा मैं एक बेनती करना चाहना है कि तुसी शायद तुसी घट पढ़ के आए तो सरकार ने अक्टूबर 2016 दे विच एक बड़ा वड्डा वायदा किया कि असी 2000 करोड़ रुपया जिहड़ा मुलाजमान वास्ते वक्ख रख रहे हैं उन्होंने एरियर देने वास्ते कच्चे मुलाजमान पक्के करने वास्ते जे मैं कहा कि कच्चे मुलाजमान पक्के होने दे विच सब तो वध नीयत खराब सी अकाली दल दी भी बराबर दी सी असी विधानसभा दा सैशन बुलाया जिंदा साहब मुलाजम पक्के किए दसो सानू दो मिनट दे दो नवदीप जी अपनी गल कंप्लीट करो के बिलकुल जो आशीष जी कह रहे हैं 7 अगस्त जी मुलाजम जथेबंदी की मीटिंग हो रही है असि ओ समर्थन करते हैं और असी बेनती करते हैं जी सरकार है मनप्रीत सिंह बादल ने जो आपका लैक्चर दिता है 15% सिर्फ वाधे का लैक्चर दिता है और सानू जता रहे हैं कि पंजाब के मुलाजम बहुत ज्यादा तनखा लै रहे हैं उन्होंने इस गल का भी धोखा है और टैक्स कौन भर रहा है पंजाब का मुलाजम ही भर रहा है ना तो जेडे कच्चे मुलाजम बेचारे बैठे हैं मैं बार बार यही कहना है जिन्हों का चुल्हा नहीं चलता पाया जिन्होंने 4000 रुपया दे के तुम पिछले 20-20 साल तो तुरी फिर दो 15-15 साल तो तुरी फिर दो उन्होंने घर जाके हाल देखो की है उन्होंने बच्चे बेचारे प्रॉपर फीसा नहीं दे पाते बच्चों दियाँ वो सड़कों पर बैठे है सड़कों के उपर बच्चे आपने धरती सड़कों लैके बैठने लिए मजबूर है सो प्लीज लोगों तो माफी मांग लो असी कर नहीं सकते असी कोई मुलाजमान तनखा नहीं दे सकते असी कोई जरा पे कमीशन है वो मुताबिक मुलाजमान जो उन्होंने एरिया वो नहीं वो भी बढ़ा सकते असी कच्चे मुलाजम पक्के नहीं कर सकते जनता तो माफी मांग लो क्योंकि पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि तुम 74 साल जो पंजाब उपर राज किया हर वर्ग सड़कों पर बैठा है डॉक्टर वर्ग मैं कहना डॉक्टर वर्ग एक पढ़िया लिखा वर्ग है जो कदे भी धरने उपर नहीं डॉक्टर वर्ग बैठता हों और जोड़ा करोना के लोगों ने इना फेस करना पाया प्राइवेट होस्पिटल के सरकारी होस्पिटल डॉक्टर क्यों जॉब करे तुम कि तनखा दे रहे हो उन्होंने जेडे डॉक्टर इन्नी पढ़ाई करके MBBS MS MD करते हैं और उन्होंने तनखाह देख लो की दे रहे हो तुम और उन्होंने जी तनखा का वाधा डॉक्टर कह रहे हो नहीं कर रहे तो सरकारी हस्पताल डॉक्टर क्यों काम कर भी सो कुछ सोचना पेगा जेकर पंजाब नूं बचाउणा है डॉक्टर नूं जां कच्चे मुलाजमान नूं पक्का करना पेगा उन्होंने बनते जिहड़ा साडा सिविल सर्विस एक्ट है उहदे मुताबिक तनखाह वधाउणियां पैणगियां ताकि प्राइवेट होस्पिटल वालों ना भज्जण साडे जिहड़े आंगणवाड़ी वर्कर दा बेचारे 4000-4000 रुपए ते जॉब कर रहे जिन्हें बच्चों को प्रॉपर नहीं पाल रहे उन्होंने बारे सोचना पेगा 74-75 साल के पंजाब का जो हाल होया ये दोनों पार्टियां करके होया इन्हां दोनों पार्टियां ने गलतियां कारण होया इस करके पंजाब नूं बचाउण दे लई कोई नवी सोच लैके आनी पौगी नहीं पंजाब जिहड़े आने वाले समय दे विच होर बर्बादी दा आशीष जी कुछ कहना चाह रहे फिर मैं प्रोफेसर साहब को लाऊंगा आशीष मैं सर एक गल कहना चाहूंगा भी जिन्नियां भी गल्लां कीतियां जा रही ने सियासी पार्टियां वालों अकाली दल ने एक नवा वादा करता भी कच्चे मुलाजमान नूं पक्का किया जाऊगा आप वाले भी कह रहे हैं कच्चे मुलाजमान नूं पक्का किया जाऊगा कच्चे मुलाजमान का दर्द अज तक किसी ने नहीं समझा भी एक्चुअल जो प्रॉब्लम कितने स्टैंड कर दी है सर साडी सानू पावर नवदीप जी मैं आऊंगा स्टैंड कर दी है हां भाई आज तुसी रोडवेज ते चल जाओ तो कच्चा मुलाजम तुहानू ड्राइवर भी मिलेगा करैक्टर भी मिलेगा तुसी हॉस्पिटल चल जाओ NHM दे मुलाजम मिलणगे तुसी सिक्ख्या वाल चल जाओ तुहानू सर्व सिक्ख्या दान मिड डे मील दे मुलाजम मिलणगे तुसी वाटर सैनिटेशन चल जाओ टैंकियां कच्चे मुलाजम चला रहे ने पानी दीआं पिंडां विच शहरां च भी वर्ल्ड बैंक दे प्रोजेक्ट चल रहे ने खेतीबाड़ी चल जाओ आत्मा प्रोजेक्ट स्कीम चल रही है इवन की मैं कल सीएम हाउस मीटिंग करन गया सेकंड फ्लोर से उत्थे भी कच्चे ते आउटसोर्स दे मुलाजम बैठे हुए हैं जो सारे पासे सानू इस प्रॉब्लम का पता है भी यह प्रॉब्लम स्टैंड करती है उनके बावजूद भी साडे जिहड़े मंत्री ने ब्रह्म महिंद्रा 2.5 सालों तो कमेटी बनाई है वह साडे नाल गल करन तो ही भज रहे हैं तुसीं मनप्रीत दी बादल साहब की गल सुनी है भी वह कहिंदे ने जी सब तो ज़्यादा तनखा लै रहा पंजाब का मुलाजम ये हर बारी कहिंदे ने असीं यह कहिंदे साडे नाल टेबल ते बैठो सानू प्रूव करो भी सानू की दे रहे हो ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4000 ਤੇ 1 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ
ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, 25 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, 25 ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੋਕ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਵਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ 15 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ देयर वाज ਅ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੋ ਆਈ ਕੌਂਟ ਕਨੈਕਟ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਕਲੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ? ਔਰ ਖੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੀਏ, ਇੰਪਲੋਈ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪਲੋਈ, ਜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤੇ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਬਲ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਆਉਂਗਾ ਆਉਂਗਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2-4 ਅਲਫਾਜ਼ ਜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80-90% ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਏਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80-90% ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
चलो पांच कमीशन असी देते पे कमीशन एक असी अपॉइंट कर गए और असी नीत साफ सी सानू ऐसी के कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इलेक्शन जितांगे दोबारा आके कर दांगे सानू नहीं पता सी तुसी गुटका साहब चक के लोकां दे नाल धरो करोगे 420 करोगे जिदा तुसी 90,000 किसानी कर्जे दिया किसानां दे नाल धोखा कीता गुटका साहब चक के ओदा ही तुसी मुलाजमां नाल भी धोखा कीता। मेरा तुहानू सीधा सवाल है कि की मनप्रीत बादल की सरदार मनमोहन सिंह जेड़े बंदे मैनीफेस्टो बनाने वाले सी कि इन्हां नूं पता नहीं सी पंजाब दे वित्तीय हालात की ने अगर वह समय दे वी तुसी गुटका साहब चक के लोकां नाल वादे किते चाहे किसानी कर्जे का 90,000 करोड़ का चाहे मुलाजमान नूं पक्के करन दा जे तुसी नहीं कर सकते तो जनतक तौर पर माफ़ी मंगो क्योंकि थोड़ी नीयत दे विच खोट है सरकार की नीयत दे विच। चलो मैडम मनप्रीत जी जिहड़े मनप्रीत सिंह बादले कह रहे हैं कि पंजाब दे विच मुलाजम ज्यादा तनखा लै रहे हैं बादल परिवार किन्नियां पेंशनां लै रहा माड़ा जिहा क्लीयर करोगे जिंदा जी फिर रिकॉर्ड तो मैं कहना बादल परिवार एक भी पेंशन नहीं लै रहा मैं ऑन रिकॉर्ड कहना मैं ताही कहना कि आम आदमी पार्टी नूं झूठ बोलण दी आदत पै गई ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਮੈਚੁਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਇਮੈਚੁਅਰ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੈ जिस तरह की अज इत्थे चर्चा कर रहे हैं इसकी पंजाब नूं लोड़ है मेरी बेनती प्लीज नवदीप जी नवदीप जी सियासी तौर ते चीजां नूं साइड करके नवदीप जी मेरी बेनती प्लीज मैनूं लगदा मेरी आवाज वाकई तुहाडे तक नहीं पहुंचनी मेरी बेनती एक मिनट रुको प्लीज मैं आ रहा मेरी नवदीप जी मैं इहनां क्लियर साहब झूठ ना बोलो क्लियर साहब ए केजरीवाल दी झूठ दी फैक्टरी पंजाब नूं मैनूं अगे जा मसले ते वापस आण दिओ मैं जो गल करनी चाह रहा प्रोफेसर साहब अज जिहड़ी गल मनप्रीत बादल कह रहे ने कि तनखाह ते पहला ही वध ने सवाल बहुत वड्डा है कि मनप्रीत बादल को खजाने की कमान लंबा समा रही है यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की उन्होंने पता है मालिया की है मैं अज भी याद है 2009 के जो हरियाणे के इलैक्शन से उदो एक बड़ा हरियाणे के हमेशा तो एक मसला रहा क्योंकि बहुत समय तो जो पत्रकारिता करते आए तो हरियाणे के मसले भी पता होंगे तो वह कहें हर पार्टी का वादा होंगे सी पंजाब के समान वेतनमान उदो भी यह शायद पंजाब के सैलरी बेसिस और सारा कुछ चंगा जिस करके उत्थे भी लोग जोड़े डिमांड करते हैं एम्पलॉइज अज हालात उन्होंने ज़्यादा बैटर ने साडे इंपलॉइज़ के माड़े हो गए हैं हुण सवाल वड्डा है कि एक वड्डी वड्डी जिज्ञासा जी रही कि बड़ी रही कि भाई ये क्यों तो पंजाब च जमीना महंगिया ने जो पता किया पंजाब के लोगों के लाइफ स्टाइल में वेखते हुए यह सैलरी बेसिस तय किए जाते हैं एक क्राइटेरिया गौरमेंट का कि सरकारों या फाइनेंस मिनिस्टर ए नहीं पता जो ये कह जाते हैं कि जी पहला ही बहुत तनखा ने देखो इदा है कि तनखाह वध है या घट है वह एक डिफरेंट मसला है गल आप जिस गल ते कर रहे हैं वो ये है कि जेडे इंपलाइज दियां डिमांड्स हैं उन्होंने बारे सरकार की कर रही है देखो जिन्हें भी कच्चे इंपलाइज हैं वह पिछले 5 साल के कच्चे इंपलाइज नहीं हैं पिछले 15 साल तो 20 साल तो 18 साल तो काम कर रहे हैं और बड़ी पाल्ट्री उहदे काम कर रहे हैं सरकारां नूं ये हो गया कि जब असी एक कच्चे इंपलाई न 10,000 रुपया 8,000 रुपया दे के काम ले सकते हैं उसकी जगह पर आप एक रखांगे उसकी जगह 4 कच्चे इंपलाई बराबर होंगे इस करके रिक्रूटमेंटा बंद हो गई तो मैं दसदा एजुकेशन अपने पंजाब के कॉलेज के पिछले 25 साल तो पोस्टा नहीं भरी गई 25 साल तो इमेजिन करो हायर एजुकेशन का की हाल है यूनिवर्सिटिया 40 to 45-50% तक पोस्टा खाली पी रिसर्च की होएगी या की होएगा सरकारां नूं ये हो गया तुसी देखो ना भी पेरेंट टीचर का जिहड़ा फंड हुंदा है उहदे विचों मुलाजम रखे हुए हैं वह की तुहानूं डिलीवर करनगे फिर तुसी कहने इंपलाइज जिहड़े हैगे आ उहनां दे ज़्यादा तनखाह तुहानूं पता है जे इंपलाइज घट रहे हैं दफ्तर दे विच जिहड़े 4 बंदे काम करदे सीगे एक काम नूं हुण 4 काम एक बंदे दे गल पै हुए हैं यानी कि काम वधदा जा रहा है इंपलाइज घटते जा रहे हैं उहनां दीआं तनखाहां ते भत्ते भी घटते जा रहे हैं लेकिन अनएम्पलॉयमेंट इकनोमिक इनसिक्योरिटी इन्नी ज्यादा बेचारे मजबूरन
लगे हुए हैं कि मैं 5 साल हो गया, हो सकता हूँ पक्का हो जाए, 10 साल हो गया, हो सकता हूँ पक्का हो जाए। अगर उस सिचुएशन दे विच भी एम्पलाइज जिहड़ा हैगा उन्हूं कुछ भी ना मिले, कोई भी सरकार होवे, तां उह सरकारां नूं इह सोचना पएगा कि किस तरीके दे नाल अपने खर्चे घटाए जाण या कोई इनोवेटिव आइडियाज लैंदे जाण जिहदे नाल आमदनियां वधन। एम्पलाई तों बिना सरकार नहीं चल सकदी। आपां इह वी जाणदे आ कि जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट है जिहदे उपर जिहड़े सरकारां जिहड़े अपने तनखाहां वगैरा 50-60% पैसा जिहड़ा हैगा खर्च हुंदा, लेकिन एट द सेम टाइम साडे पर कर्जा किन्ना है स्टेट दे उपर, ओदी कर्जे दी जिहड़ी भरपाई है यानी कि इंटरेस्ट है ओदी डेटिंग वास्ते 20-25% जिहड़ा साडा रेवेन्यू है उधर चला जांदा है। वह सारिया सरकारां दी अपनियां प्रॉब्लम्स हैगियां, लेकिन इहदा इह मतलब नहीं है कि आपां एम्पलाइज नूं बिल्कुल अखों ओहला कर दईए। लेकिन एम्पलाइज नूं भी इह सोचना पएगा। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसीएशन दा प्रेजिडेंट रहा और काफ़ी एक्टिव रहा यूनिवर्सिटी एम्पलाइज यूनियन दे विच फॉर द लास्ट मैनी ईयरस, ते कई जगह ते कंप्रोमाइजेस अपने जिहड़ा सरकार है उन्होंने भी करने पैंदे आ और एम्पलाइज नूं भी करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा रस्ता होना चाहिए जिहदे विच कम सरकार दा चले, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਲੌਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 22 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਫਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਾਫਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਬਣ ਕੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।